Hello friends, welcome you all on this channel. I am Robin. Friends, please subscribe my channel Manual Chemistry. Press the bell icon so that you get updates about upcoming videos. Friends, इस लेसन में आज हम फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है टेट्रामिथाइल पिपरिडिन नाइट्रोऑक्साइड। इसे हम लोग शॉर्ट में टेम्पो भी कहते हैं। ये आपके IIT JEE मेंस एज वेल एज एडवांस इवन IIT JEE पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट रिएजेंट हो जाता है। ठीक है गाइज, तो इस पे अक्सर क्वेश्चन भी IIT JEE में पूछा जाता है। तो चलिए गाइज, आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आप लोग हेडिंग डाल लो क्या, टेट्रामिथाइल पिपरिडीन के बाद फिर क्या हो जाएगा, नाइट्रो ऑक्साइड। और इसे हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, इसे हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं टेम्पो। तो गाइस, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। आखिर इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसका स्ट्रक्चर काफी आसान होता है। ये देखिए, ये ही इसका क्या हो जाता है, स्ट्रक्चर हो जाता है। ये पिपरिडीन होता है, पिपरिडीन तो आप लोग पढ़े ही होंगे ऑलरेडी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें बेसिकली ये हो जाता है नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज होता है। अब इसका हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं। तो नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, इस नाइट्रोजन वाले पोजीशन, क्योंकि यही मेन है, यही तो पिपरिडीन का मेन नाइट्रोजन ही तो जान है। तो यहीं से क्या हम लोग करेंगे, यहीं से नंबरिंग करते हैं, नोमेनक्लेचर। तो यहाँ फर्स्ट नाइट्रोजन पे फर्स्ट मान पे वन। अब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से मूव कर सकते हैं या फिर क्लॉकवाइज भी। तो यहाँ हम लोग प्रेफर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज मूव करना। तो ये वन, सेकंड हो गया, तो दो मिथाइल इसे टू लिख लिए। फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, फिर सिक्स पोजिशन पे दो मिथाइल, तो सिक्स लिख लिए। टोटल कितना मिथाइल ग्रुप सब्सटीट्यूटेड है, वन टू थ्री फोर चार। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टेट्रा मिथाइल। तो यहां तक आई होगा इस क्लियर होगा। अब नेक्स्ट में क्या देखते हैं, नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं पिपरिडीन में जो नाइट्रोजन है ये फर्स्ट पोजीशन पे है। क्लियर, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट। अब ये क्या हो जाएगा, पिपरिडीनाइल, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन जो ये ऑक्सीजन सा डबल बॉन्ड है, पिपरिडीनाइल ऑक्सी, यही इसका क्या हो जाएगा, नोमेनक्लेचर हो जाएगा। तो आई होप गाइस आपको इस रिएजेंट का स्ट्रक्चर और नोमेनक्लेचर क्लियर होगा। अब चलिए नेक्स्ट हम इसका यूजेस देखते हैं, इसका यूजेस क्या क्या है, इसको आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अब नेक्स्ट में इसका यूजेस बहुत, दो इंपॉर्टेंट यूजेस है इसका गाइस। पहला यूजेस क्या है, ये क्योंकि अभी लेसन के स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था, ये एक तरह का बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसलिए क्या करता है, ये ऑक्सीडेशन करता है, इसका ऑक्सीडेशन करता है। ये में लिख लो आप 1 डिग्री अल्कोहल का, बी में आप लिख सकते हो 2 डिग्री अल्कोहल का। ये एक प्रॉपर्टी हो गया। सेकंड में देखते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी गाइस काफी इंपॉर्टेंट है। अगर सेकंड प्रॉपर्टी इस रिगार्डिंग दिस रिएजेंट आपको अगर पता नहीं होगा, तो आप अक्सर ये क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट बनाने में गलती कर सकते हो। इसलिए सेकंड को काफी आप ध्यान से देखो। सेकंड में क्या होता है, ये जो टेम्पो का अगर हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं और क्या इसको ऑक्सीडाइज कराते हैं 1 डिग्री अल्कोहल को, तो ये काफी 1 डिग्री अल्कोहल काफी फास्टर ऑक्सीडेशन होता है, फास्टर किसके कंपेरिजन में, 2 डिग्री एल्कोहल के कंपैरिजन में। तो ये पॉइंट को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। अगर किसी सिस्टम में वो एक 2 डिग्री एल्कोहल और 1 डिग्री एल्कोहल है, तो आप प्रेफर कीजिएगा 1 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराएं, सेकेंड वाले डिग्री को ऑक्सीडाइज कराने का प्रयत्न नहीं कीजिएगा। क्लियर, तो यही एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर स्टूडेंट यही मिस कर जाता है पॉइंट, और एग्जाम में क्या करता है इसी से रिलेटेड पूछ देता है। उसमें 2 डिग्री एल्कोहल भी दे देता है, 1 डिग्री एल्कोहल भी दे देता है, टेम्पो रिएजेंट रहता है। तो लड़के सब सोचते क्या है कि ऑक्सीडेशन करना है, सीधा क्या करते हैं, जितना OH ग्रुप है सबका ऑक्सीडेशन कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होगा। इसमें पहले सेलेक्ट करना रहता है कि कौन OH ग्रुप है 1 डिग्री अल्कोहल, कौन 2 डिग्री अल्कोहल है। जो 1 डिग्री अल्कोहल है सिर्फ और सिर्फ वही ऑक्सीडेशन होगा, रिमेनिंग जो भी बचता है डिग्री का उसको एज इट इज हम लोग रहने देंगे, जो भी 2 डिग्री अल्कोहल का बचता है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि टेम्पो का रिएक्शन 1 डिग्री अल्कोहल के साथ कराते हैं थ्रू मैकेनिज्म हम लोग समझते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिएक्शन, ये टेम्पो का रिएक्शन होगा 1 डिग्री अल्कोहल के साथ, 1 डिग्री अल्कोहल के साथ। यहां आप लोग लिख लीजिए रिएक्शन विथ 1 डिग्री अल्कोहल, रिएक्शन विथ 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्शन होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर तो आप लोग बार बार खींचते रहना, था आप लोग को याद हो जाएगा। क्लियर, अब ये क्या है, ये हो जाएगा गाइस आपका 1 डिग्री OH। क्लियर,
तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। और अब हमें क्या करना है, ये टेम्पो हो गया। तो यहाँ पे अब हमें क्या पता करना है, ये दोनों स्ट्रक्चर में मैं आपको बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, ये दोनों स्ट्रक्चर में पर्टिकुलरली इंडिविजुअल जो आप देखोगे इसमें एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर मिलेगा और एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर मिलेगा। वही हमें पता करना है, फिर एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन रिच को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को इलेक्ट्रॉन रिच के साथ बॉन्ड करा देना है। यही इसका मैकेनिज्म है बेसिकली। इसमें करना क्या है, इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं टेम्पो वाले अटैकिंग रिएजेंट में, तो नाइट्रोजन का प्लस चार्ज मींस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी और प्लस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑक्सीजन से कम होती है, ये याद रखना, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, यहाँ आते हैं RCH2O और H। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है ये ब्रेक करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, कार्बन से भी ज्यादा और हाइड्रोजन एटम से भी ज्यादा, तो इसका ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर बनेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है, बहुत इजी है कैसे, यहाँ पे ये क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर और ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, ये ऑक्सीजन इस नाइट्रोजन पर अटैक कर देगा और ये क्या ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, ये एच प्लस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन पर अटैक कर देगा। और फाइनली देखिए कैसा हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, अभी मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ, CH3, फिर क्या हो गया CH3, फिर यहाँ हो गया CH3, ये क्या हो जाएगा नाइट्रोजन OH, ये ऑक्सीजन OH कर गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, फिर ये ऑक्सीजन क्या है एक CH, कार्बन दो हाइड्रोजन के साथ एक R और एक H यहाँ हम लोग लाने देते हैं, और ये नाइट्रोजन पे क्या है, नाइट्रोजन पे है प्लस चार्ज। यहाँ तक समझ में आया, और लोग क्या करेंगे, यह सिस्टम में नाइट्रोजन पर अभी भी प्लस चार्ज है, इसके प्लस चार्ज को हटाने के लिए ही अब मैकेनिज्म आगे प्रोसीड कराएंगे। तो इसमें क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच, देखिए एक बात बहुत बड़े ध्यान से समझिएगा, ये फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है, इसलिए कार्बन पे ये दो हाइड्रोजन हमें यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ एक यहाँ। अगर सेकेंड डिग्री अल्कोहल होगा तो ये कार्बन के साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन मिलेगा, लेकिन थर्ड डिग्री अल्कोहल होगा तो इस कार्बन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। इसी कारण क्या होता है, ये जो पर्टिकुलर ये टेम्पो रिएजेंट है ये ऑक्सीडेशन थर्ड डिग्री अल्कोहल, इट मीन्स टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं कराता है। क्लियर, यहां तक अब आपको पॉइंट क्लियर होगा। अब क्या करते हैं, यहां से बॉन्ड ब्रेक करेगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा, फिर ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज आएगा, इट मीन्स डबल भी बॉन्ड बनाया और नेगेटिव चार्ज भी कैरी किया, तो अच्छा खासा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन एटम पे आकर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, हटाएगा, क्योंकि कोई भी एटम ना एक्सेसिव अमाउंट पे प्लस चार्ज ना एक्सेसिव अमाउंट पे माइनस चार्ज अपने ऊपर रखना चाहता है। ये क्या करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और इस बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन को देगा, जैसे ही नाइट्रोजन एटम को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगा, नाइट्रोजन के ऊपर जो प्लस चार्ज है वो रिमूव हो जाएगा, उस पर कोई चार्ज नहीं बचेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होगा आगे, फिर ये हो जाएगा गाइस, आप लोग आई होप इस मैकेनिज्म को अच्छे से समझ रहे होगे, आगे बस यही हो जाएगा, आराम से आप लोग ये समझ लो। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया CH3, फिर यहाँ हो गया CH3, फिर यहाँ हो गया CH3, और यहाँ बेसिकली NaN और OH बचेगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा R, फिर CH और एक H तो हट गया, तो RCHO बचेगा। इट मींस क्या हो गया, जब हम लोग वन डिग्री अल्कोहल मतलब प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे इस टेम्पो रिएजेंट में, तो हमें प्रोडक्ट कैसा मिलेगा, एल्डिहाइड। तो ये मैकेनिज्म के थ्रू मैंने समझाया, सिमिलर मैकेनिज्म होगा जब इसी रिएजेंट को हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, और उस केस में लेकिन प्रोडक्ट क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा। अभी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, लेकिन उसका मैकेनिज्म आप लोग खुद से करके देखना, ये मैं बस हिंट देता हूँ कि ऐसे ही इसका सेकेंड डिग्री है अल्कोहल का मैकेनिज्म होगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप बेहिजक कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। सेकेंड डिग्री अल्कोहल में क्या है, जैसे यहाँ पे क्या है, टेम्पो रिएजेंट ले लिया मैंने, टेम्पो रिएजेंट लेने के बाद फिर मैंने क्या किया, R2CHOH, ये क्या हो गया, ये हो गया सेकेंड डिग्री अल्कोहल, इसका रिएक्शन क्या है, तो अब बेसिकली क्या बनाएगा, ये कुछ नहीं करेगा, ये सीधा क्या करेगा, सीधा ये कीटोन बना लेगा, डायरेक्ट सेम मैकेनिज्म करते हुए। तो आई होप गाइस आपको 1 डिग्री सेकेंड डिग्री अल्कोहल जब ये रिएक्शन करेगा तो कैसा बनाएगा वो क्लियर होगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्या आते हैं, नेक्स्ट हम इसके एप्लीकेशन पार्ट पे आते हैं। तो गाइस होता है क्या है, रिएजेंट के बारे में आप जान गए, डेफिनेशन समझ गए वो क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसका यूज, उसे कहां हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, और उसके यूज कैसे हम लोग सीखते हैं जब उस रिएजेंट पर्टिकुलर रिएजेंट पे हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसका एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन पार्ट हम लोग देखते हैं। तो अब क्या हो जाएगा गाइस, एप्लीकेशन पार्ट के लिए यहां मैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने लूंगा, अब मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा, आप लोग जो है अच्छे से करते चले जाओ जल्दी जल्दी। यहाँ पे क्या है, देखिए
फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर आपके आईआईटी जेम आईआईटी एडवांस में भी पूछा जाता रहता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए सिंपल है, ये दे दिया यहाँ पे क्या है टेम्पो रिएजेंट और साथ ही साथ क्या है डाइक्लोरोमीथेन। अब यहाँ पे डाइक्लोरोमीथेन है टेम्पो है, अब हमें पता करना है इसका ऑक्सीडेशन करना। अभी जस्ट हमने बताया था अगर आपको इस रिएजेंट का सेकेंड प्रॉपर्टी पता नहीं होगा तो आप गलत करोगे, आप सीधे तीनों OH देखोगे, तीनों को क्या करोगे, तीनों को ऑक्सीडाइज करा दोगे, क्लियर। लेकिन एक्चुअली नहीं करना है, सबसे पहले हम तीनों OH को एनालाइज करना है कि कौन 1 डिग्री है कौन 2 डिग्री है। तो जब हम ये OH को देखते हैं तो ये OH इस कार्बन से अटैच है, ठीक है, और ये कार्बन एक और दो, ये दो कार्बन से अटैच है, इसलिए क्या हो जाए ये सेकेंड डिग्री अल्कोहल हो गया, क्लियर। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या है, ये OH इस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन एक इधर, ये एक और दो, ये दो कार्बन से, मींस ये भी OH क्या हो गया सेकेंड डिग्री अल्कोहल। अब हम इस OH को देखते हैं, ये OH जो इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ इसी एक कार्बन से अटैच है, ये कार्बन बस इससे अटैच है, इसी कारण क्या हो गया ये हो गया 1 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ पर अभी जस्ट हमने क्या बताया था कि सेकेंड डिग्री वाले अल्कोहल को रोक दीजिए, 1 डिग्री अल्कोहल को क्या कर दीजिए ऑक्सीडाइज कर दीजिए, तो बाकी सब कुछ क्या रहेगा एज इट इज रहेगा प्रोडक्ट में, देखिए एज इट इज रह जाएगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां से फिर हम लोग ये करेंगे, यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा और यहाँ एच हो जाएगा, यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो भी घर प्रोडक्ट हो जाएगा, क्लियर। अब हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं गाइस, देखिए सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं पीएच एनएचसीबीएच, फिर क्या करते हैं ओएच, यहाँ पे क्या ले लेते हैं टेम्पो और साथ ही साथ क्या लेते हैं सोडियम ऑक्सीक्लोराइड सोडियम ब्रोमाइड और ये क्या हो जाता है डाइक्लोरोमीथेन। तो सिंपल है, इसमें क्या करना है, इसमें हम लोग सब कुछ जानते हैं, आप कुछ भी देख लो टेम्पो रिएजेंट आपको देखिए इट मींस ऑक्सीडेशन करना है, ये क्या है ये OH जो इस कारण जुड़ा हुआ है, ये कारण ये इस कारण से, इट मींस ये 1 डिग्री अल्कोहल है, वैसे भी अगर ये 2 डिग्री रहता तो यही होता, क्योंकि अगर एक ही सिस्टम में 2 डिग्री 1 डिग्री रहेगा तब उस कंडीशन में प्रायोरिटी मिलता है 1 डिग्री अल्कोहल को, लेकिन जब सिस्टम में कोई रहे नहीं एकमात्र अल्कोहल है तो आइदर वो 1 डिग्री रहे या फिर सेकंड डिग्री रहे ऑक्सीडाइज उसी को होना है, क्लियर। कंपटीशन तब आता है जब 1 डिग्री और 2 डिग्री एक साथ एक स्ट्रक्चर में घुस जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही OH है, तो यहाँ पे बाकी सारा कुछ ऐसे ही रहने देंगे, प्रोडक्ट देखिए सिंपल क्या है, बाकी सबको कुछ हम लोग को नहीं टच करना है, बाकी सबको एज इट इज रखना है और सिंपली क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ये डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा ये डबल बॉन्ड हो जाएगा ओ हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, ये इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप गाइस आपको ये क्लियर होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और इस लेसन का आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है, इसके बाद भी आप लोग इस रिएजेंट पे क्वेश्चन करना, नहीं बने तो आप बेहिजक कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन कुछ देखने में थोड़ा आपको डर लग रहा होगा इसका स्ट्रक्चर, अभी जब मैं खींचता हूं ये हो गया आपका क्लियर। अब यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड ओ है, फिर यहाँ पे ओ है, फिर ये क्या हो जाएगा ओ एच, फिर और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा ये, फिर और ये क्या हो जाएगा सी यू सी एल टू डी एम एफ और ये क्या हो जाएगा टेम्पो टेम्पो। अब यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे आप खुद सोचो, यहाँ पे आपको बस एक क्या दिख रहा है, एक यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे ये OH है, बस इसी को ऑक्सीडाइज कराना है, बाकी को टच भी नहीं करना है, बाकी सब क्योंकि एक ही OH है, बाकी सबको एज इट इज रहने देना है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप कह दीजिए O और H कर दीजिए, मीन्स ये जो में चेंज हो गया, बाकी सबको आप एज इट इज उतार दीजिए। देखा एग्जाम ऐसे देखने में कितना डर लग रहा होगा, लेकिन यही होता है कि अगर आप रिएजेंट पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया ना, पता चल गया ना कि इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है, ये कहाँ कहाँ तक यूज होता है, तो आप आसानी से कर सकते हो। ये देखने में टफ लग रहा है, लेकिन अगर आपको पता है कि इसमें रिएजेंट स्पेशली टेम्पो यूज हो रहा है, टेम्पो का वर्क क्या है, तो आप आसानी से इसका प्रोडक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आई होप गाइस आपको ये लेसन बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद भी इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट तो आप बेहिजक कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और गाइस आपको ये लेसन कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर लिखें, क्लियर। अगर किस तरह का प्रॉब्लम भी है तो वो भी लिखें कमेंट बॉक्स में। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन, ओके बाय।